कलाहांडी जिल्लार शिक्षयित्री ममिता मेहरंक हत्याकांड घटना को नहीं समग्र राज्य में आलोड़न सृष्टि होता बेले ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी पक्ष आहूत ओडिशा बंद हाइकोर्टों निर्देश पर हड़ताल परिवर्तित होता। राज्यर विभिन्न स्थान में कांग्रेस पक्ष 6 घंटिया स्वेच्छाकृत बंद पालन पर जनसाधारण को आह्वान दि जाता बेले बालेश्वर जिला कांग्रेस कमिटी पक्षर यह बंद को हड़ताल परिवर्तन सह निजस्व इच्छा दोकान बजार बंद रखापी नवेदन करेस दल पक्ष बालेश्वर जिलापा कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन सह हड़ताल को प्रतीकात्मक भाव पालन करेक्षी दलर नेता और कर्मी माने एक शोभायात्रा सहर परिक्रमा सह जिलापा कार्यालय सम्मुखें पहुंची सेठे आयोजित प्रतिवाद कार्यक्रम में बालेश्वर संसदीय क्षेत्र नेता नवज्योति पटनायक जोगदे कांग्रेस दलर आह्वान को अभूतपूर्व समर्थन जनाइथिबारु बालेश्वर जनसाधारण को कृतज्ञता जनाइथिले। राज्य सरकार कांग्रेस दलर बंद डाकरा को डरी हाइकोर्ट में मामला रुजु करिबा राज्य सरकार हीनमन्यता को दर्शाउथिबा बेले लोकों स्वतप्रवृत्त बंद पालन कांग्रेस दलर जनसमर्थन प्रमाणित करी श्री पटनायक प्रकाश करते। शिक्षयित्री ममिता मेहरों परिवार को न्याय प्रदान पर लोकों मत को सम्मान जनाई राज्य सरकार तुरंत मंत्री दिव्यशंकर मिश्र को बहिष्कार सह सीबीआई तदंत कराइबा को से दावी करते। देखो तो प्रथम जिनस है मान्यवर हाइकोर्ट डायरेक्शन अनुसार आम जो बंद डाकरा डाकि ममिता मेहर को न्याय देवाई मान्यवर हाइकोर्ट आदेश को आम के अणदेखा करदेश बंद डाकरा आम से हड़ताल परिणत कर देखु मोर आज सरकार हाइकोर्ट को गला कहीं आगु तो जा आगु जाते मत कौना कल सका 9टा बेले गले 4टा बेले तार जजमेंट आसला ठीक अच्छे मान्यवर हाइकोर्ट आदेश को आम मानव कितु आम मान्यवर हाइकोर्ट आदेश मानला पर ममिता मेहर को न्याय मिल कि आमर प्रश्न है ममिता मेहर को न्याय कहीं मगुचु ना कहीं जो पर्यंत जेहेतु ये गृहमंत्री इनवल्वमेंट अच्छी आलिगेसन अच्छी गृहमंत्री थी अवस्था न्याय मिल पार कि आगुरी टिके टिके कथार मंत्री पद को सरकार मंत्री पद को मंत्री को बाहर करदे एटा कौन है कहीं करना सी बाहर नक आप इन्वेस्टिगेशन ठीक हो पारे आप मत कहतु कौ बंद डकरारे केबे एसपी डीसीपी पुलिस प्रशासन केबे वीडियो मेसेज रे कही आज पर्यंत कल कौन पे कहले जेहेतु गृहमंत्री इनवल्व बोली एसपी माने घर एसपी डीसीपी समस्त जोटी जोटी पुलिस प्रशासन गोटे वीडियो मेसेज रे कहले बंद कले स्ट्रिक्ट एक्शन नियाजी मु आज जिते ये आसुली आमे तो बंद क्या कहीनु आम के जबरदस्ती के सो मोटर जनता चाहती कि हाँ यहाँ गोटे समर्थन दौरान मुझे जो आसिले आपे आपे दुकान बंद हो देख ली कि आम रास्ता गोल हेले आमको अटका जा कथा कहले आमको अलग प्रकार व्यवहार कराऊे विपक्षर काम है कौन दृष्टि आकर्षण करवा जो पर्यंत ममिता मेहर को न्याय मिलनी खाली ममिता मेहर नुहे पूर्व बहुत गुड़े जिनस एमती जोटी न्याय मिलनी ये सरकार मुझे बुझीपार कि माँ झील मानक जितेबाला ये होती आम ये कौन है आज आज ममिता मेहर प्रसंगे पचारि जेहेतु गृहमंत्री आदि इनवल्व अच्छा बोले आलिगेसन हो गृहमंत्री को विदा करके इन्वेस्टिगेशन करूना आप पचारतु आप सका आसवा आगुरी मुझे देखुली सब जगार जोटी जोटी कौ जगार आम जाइन कि बंद करूँ बोली समस्ते निजे निजे समर्थन देने भी दुख प्रकाश कर ममिता मेहर को न्याय मिल पार नहीं। बालेश्वर जिला कांग्रेस कमिटी सभापति संजीव गिरी नेतृत्व में आयोजित प्रतिवाद कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमिटी संपादिका अर्चना नंदी सदर कांग्रेस नेत्री ममता कुंडू जिला महिला कांग्रेस सभानेत्री प्रज्ञा पारमिता महांती जिला कांग्रेस कमिटी संपादक पशुपति उपाध्याय जिला जुव कांग्रेस सभापति रंजन दास छात्र कांग्रेस सभापति गौतम साहू प्रमुख जोगदे ममिता मेहर हत्याकांड घटन संपृक्त राज्य गृहराष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र को पुलिस गिरफ न करिबा दुर्भाग्यर विषय बोली कहते। महिला सशक्तिकरण नाम में डिंडिम पिटुवा नवीन सरकार शासन में नारी अत्याचार संपृक्त थिबा नेता
ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କେତେଦୂର ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଫଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଗଲାଣି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସର ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିୟମକୁ, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିୟମକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପୂର୍ବକ ଆମେ ବନ୍ଦକୁ ହରତାଳରେ ପରିଣତ କରିଛୁ ଏବଂ ମମିତା ମେହେରକୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଯେଉଁ ଦାବି ଆମର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ, ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ହରତାଳରେ ପରିଣତ କରି ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ଚକଖ ବନ୍ଦ କରିନାହୁଁ, କୌଣସି ଅଫିସ୍, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ବନ୍ଦ କରିନାହୁଁ। ଆମେ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ, କଂଗ୍ରେସର ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ବନ୍ଦ ଡରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଦଳ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ତ ନା କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ହେଇଛି? ତେଣୁ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପିକୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଡର ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତଳେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ। ଆଜି ଏ ବନ୍ଦକୁ ସିଏ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଲଗେଇ PIL ଦାଖଲ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ବନ୍ଦ କରାଇଲେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର, ଗଣତନ୍ତ୍ରର, ବିରୋଧୀ ଦଳର ଗଳା ରୋଧ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରାୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ସଂଗ୍ରାମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ଶିଖିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛି, ଚାଲି ରଖିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଂରେଜକୁ ବିଦା କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିବ।